गुड मॉर्निंग दिस इज़ डे फोर इन गबाला एंड वॉट आर प्लेजेंट वेदर धूप बहुत तेज है बट स्टिल वेदर इज़ सो गुड नॉट सो बैड मतलब अप्रैल के महीने में बहुत अच्छा वेदर है कल बारिश होती रही अपार्ट फ्रॉम दैट आज हम जा रहे हैं गबाला से बाकू अगर आप मेरी बाकू ट्रैवल सीरीज देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा डे वन टू थ्री कैसे कवर हुआ वो आप लोगों ने देखा होगा मतलब बताने की बात ही नहीं है अगर नहीं देखा तो गो एंड वॉच इट आउट नाउ और मैं जितनी भी हेल्पफुल टिप्स दे सकती हूँ आई एम डूइंग दैट भी टाइम वेस्ट किए बिना है चलते हैं अपना थोड़ा सा बचा हुआ गबाला एक्सप्लोर करने और उसके बाद बाकू क्योंकि बाकू में भी बहुत कुछ पेंडिंग है सो लेट्स डू इट तो हर सीजन को एक्सप्लोर करने का ना एक अलग ही मजा है हम स्नो वैसे कई बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं इंडिया में भी इनफैक्ट हम यूरोप गए थे इंस में बहुत अच्छी स्नो थी क्योंकि हम दिसंबर मंथ में गए थे पर मुझे लगता है ये वाला महीना जिसमें कि बहुत अच्छी ग्रीनरी हो क्लाउड्स एकदम क्लियर हो इसका भी अपना अलग मजा है तो ये जो आप देख रहे हैं ये होटल है फाइव स्टार होटल और इसी के साथ में है केबल कार का स्टेशन एक तो ये फाइव स्टार होटल है और दूसरा ईद की हॉलीडेज थी तो यहाँ पर रूम मिला ही नहीं हम लोगों को वरना जो मेन बेनिफिट है ना यहाँ पे रूम बुक करने का या होटल लेने का वो ये कि जो केबल कार का स्टेशन लोकेशन वो जस्ट बराबर में से है गबाला केबल कार इज़ अ हाईलाइट ऑफ दिस सिटी जो डिवाइडेड है फोर स्टेशंस में और इसको एक्सपीरियंस इज मतलब रियली really वर्दी केबल कार आपको लेके जाएगी टॉप ऑफ द माउंटेन पे और वहाँ से आप देखेंगे ब्यूटीफुल गबाला मतलब ऊपर से फ्रॉम द टॉप जो केबल कार हमने इंसबर्ग में मतलब यूरोप में जब हम 2019 में गए थे वहाँ किया था वो एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था क्योंकि बिल्कुल स्नो ही स्नो ही थी चारों तरफ पर ये वाला एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि सारी तरफ ग्रीनरी है आई कैन फील दोज क्लाउड्स बिल्कुल ऐसे आसपास मेरे तो चलते हैं ऊपर और करते हैं ऊपर का वेदर और देख के आते हैं क्या है ऊपर कंट्री में मैं बड़ी हुई हूं ना वहां का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है और स्नोफॉल मेरे लिए थोड़ी सी हैवी है तो मुझे लगता है स्प्रिंग सीजन भी मेरे लिए बहुत अच्छा है आई एम हैप्पी

जो लोग यहाँ विंटर में आते हैं उन्हें खूब अच्छी स्नोफॉल मिलती होगी साथ में यहाँ पे काफ़ी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है तो एक बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि इस माउंट तुफनताक का स्टैंडिंग व्यू देखने के लिए हम केबल कार से तो जा ही सकते हैं पर साथ में वी कैन ऑल्सो गो फॉर अ वॉक और हाइक इन दिस माउंटेन एंड देर आर मैनी सीनिक रूट्स केबल कार राइड इट्स सेल्फ इज़ इंजॉयबल एंड इट इज़ अ ग्रेट वे टू इन्जॉय दोज़ ब्यूटिफुल व्यूज़ और साथ में वहाँ पे इतने सारे कैफ़ेज़ हैं हम हर स्टेशन पे रुक के रिलैक्स कर सकते हैं सकते, अपनी कॉफी इंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पर हम इस बर्फ पर इंजॉय करते हैं आपको जो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि इस केबल कार के दो लेवल्स हैं और एक एक लेवल पे दो दो स्टेशन हैं तो यहाँ पर हम सब बहुत थक गए हैं आई गेस दो स्टेशन सफिशेंट है इन्जॉय करने के लिए और ऊपर आने के बाद जब नीचे जाते हैं ना उसका व्यू भी बिल्कुल अलग है और स्टनिंग है साथ में हम लोगों ने इस रेस्टोरेंट में इस कैफ़े में रुक के कॉफ़ी पी और थक बहुत गए थे तो यहाँ पे ये सजेशन मेरा अगर काम आए तो यूटिलाइज़ कर लेना कि एक ही लेवल की टिकट लें या तो साइड सिटी साइट की या फिर माउंटेन व्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली हमें यहाँ पे दो तीन घंटे हो चुके हैं क्योंकि हम होटल से ब्रेकफास्ट करके आए थे एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट लंच टाइम तो हम लोगों ने नीचे वापस आकर यहाँ पे बर्गर स्टेशन से बर्गर ऑर्डर करे एंड वी हैव इन्जॉयड आर लंच एंड इट वॉज सुपर अमेजिंग एक्सपीरियंस है मतलब अभी तक लग रहा था कि गबाला आया और कुछ मज़ेदार नहीं किया हमने बट यहाँ आकर हमें लगा कि इट इज़ वर्थ विजिट आई मीन ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस मस्ट विजिट प्लेस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन अनफोगेटेबल एक्सपीरियंस इन घबाला बी श्योर टू टेक अ राइड ऑन दिस केबल कार और उसके बाद नीचे आकर बर्गर स्टेशन से करें बर्गर ऑर्डर मैगनी की याद आपको बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि ये बर्गर मैगनी से तीन गुना ज़्यादा बड़े थे और डिलीशियस भी थे उसके बाद अब हम वापस चले गए बाकू क्योंकि हमारा बाकू एक्सप्लोर करना भी रह गया है तो आप भी कहीं ना जाएँ मैं आपको शेयर करूँगी बाकू हुआ डे फाइव और बाकू पूरा एक्सप्लोर करना है हमें तो मिलते हैं आपसे अपनी अगले वीडियो में जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं मैं उनको यही बात बोलना चाहती हूं कि मैं जो भी शेयर कर रही हूं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूं अगर आपको मुझसे पर्सनली कुछ पूछना है यू कैन कॉन्टेक्ट मी वाई इंस्टाग्राम या आप कमेंट कर सकते हैं और इस होटल में जो बाकू के होटल में हमने चेक इन करा है ये डिटेल्स मैं दूंगी आपको कल यानी डे फाइव वाली वीडियो में उसके बाद चेक इन होते ही हम चले गए मॉल घूमने अब देखना था ना बाकू का मॉल कैसा है सो आई वुड से यार दुबई के मॉल ज्यादा अच्छे हैं और जितने डिस्काउंट सेल्स हम यहां इंजॉय कर रहे हैं ना कहीं मिलेगी बाकी मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में यानी कि कल ध्यान रखिए अपना रब राखा